अब छोड़िए सारे देश की बात, केवल और केवल हरियाणा की बात। हरियाणा के अंदर गुज्जर समाज के 5 विधायक हैं। कितने? 5 विधायक। केंद्रीय मंत्री कौन है? गुज्जर समाज से। कैबिनेट मंत्री कौन है? गुज्जर समाज से। और तो और सुनिए, डीजीपी कौन है? गुज्जर समाज से। आप उस समाज को भैंस चोर बोल रहे हो? शेरों के बच्चे पैदा किए माओं ने। छत्रियों के बातें शोभा नहीं देती आपको कि चंद लोग उठते हैं? आज साध्वी देवा ठाकुर ने गुज्जर समाज का पक्ष ले लिया तो आप लोगों को मिर्ची लगी? जो जो उखाड़ना है ना उखाड़ दो। गुज्जर समाज अगर मुझे अपनी बेटी स्वीकार करता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चली जाऊंगी। लेकिन ठाकुरों, आप किसको मुंह दिखाओगे? जो लोग बकवास कर रहे हैं, वायात पोस्ट डाल रहे हैं, तब आपको शर्म नहीं आती? आपकी समाज की बेटी के लिए भौकेंद्र भौंक रहा है तब आपको समझ नहीं आती? एक भी ठाकुर उठकर आपने छतरियों वाली बात नहीं कही। जो छतरी कहते हैं ना छतरी, मैं बताती हूँ, कैथल के अंदर मानस रोड के ऊपर महाराणा प्रताप शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक है, और उस चौक के ऊपर एक ड्रेन के ऊपर, एक गंदे नाले के ऊपर शिरोमणि हमारा हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को स्थापित किया हुआ है, जहाँ पे इतनी गंदगी का आते जाते ढेर है। क्या किया आप लोगों ने? और आज भी उस महाराणा प्रताप चौक की दुर्दशा देखकर शर्म आ जाती है। कहाँ कहाँ गए कैथल के छतरी? बातें कड़वी लगती है आपको? आप पृथ्वीराज चौहान कितने चौक बढ़ा दिया आपने पृथ्वीराज चौहान के? महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, महापुरुष सबके होते हैं। क्यों खामे खा औरतों वाली लड़ाइयां लड़ रहे हो आप लोग? बना दो ना छतरी। और सुनो, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, फिर से कहती हूँ ठाकुर समाज को, कि लीला राम गुज्जर जो कैथल से विधायक हैं, अगर आप लोगों से नहीं होता ना, एक घंटे के अंदर लीला राम गुज्जर को कह के 20 लाख रुपए दिलवा दूंगी मैं, अगर आपको जरूरत हो तो बताना आप मुझे काम। और सुनिए, फिर कहती हूँ मैं, बड़ी बात नहीं कहती हूँ, कि मुझे बोलिए, हम सहयोग करेंगे, हमारे पास इतने भगत जगत हैं। मैं अशोक गुज्जर जिला अध्यक्ष, उनको बोलूंगी ना 5-7-10 लाख रुपए तो वो दे देंगे। अगर मैं बोलूंगी ना कैबिनेट मंत्री को, वो दे देंगे गुज्जर समाज के लोग। और छत्रियों, उठो खड़े हो। 100 हिजड़ों से एक मर्द बहुत अच्छा होता है, मैं उन मर्दों के साथ रहती हूँ। मेरे साथ गुज्जर समाज के लोग बहुत है, इन 4 लोगों के कहने। एक अध्यक्ष ने कल मुझे फोन करके धमकी दी, राजपूत समाज का ये, बोला आप गुज्जरों को सपोर्ट करोगे तो मार देंगे, करती हूँ राजपूतों को क्यों नहीं करती? ऐसे है ये सपोर्ट, ऐसे ही चलेगी, मेरी आवाज नहीं दबा सकते तुम लोग। कैसे कैसे नपुंसक लोग धमकी देने चल दिए। मैं गाली नहीं देना चाहती, अब शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ मेरे गुज्जर समाज के लोगों, कि आपका इतिहास अपने आप